subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right, dear friends. So this is again myself, Fayaz Attar, and my esteemed colleague, Mr. Shyam Mishra, is with us. And today, dated on 29th, 2021, at 6 o'clock, we are going to have this session. All right, members. So, आज के सेशन में सभी का स्वागत है और एज यूजुअल हम दोनों आपके साथ हैं, मैं और मेरे कलीग हैं श्याम मिश्रा सर. सो आज का टॉपिक पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा. आज हमने बिल्कुल मतलब छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको ज़रूरी करना मतलब इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आज इसे रखा है. ओके, सो इट वुड बी वेरी स्मॉल टॉपिक. The topic itself is a big in the mean, but the concern is to make you understand the topic is quite enough. What we can say, it is quite small, like it will end in next, I think, 45 to 1 hour only. Okay, so the concern is today's topic is cursor review, right? In NVDA category, you may have seen this option. Okay, इस NVDA की category में हमने जब NVDA की settings देखी कल, right? तो जब हमने वो settings देखी तो हमने वहाँ पे NVDA की जितनी भी categories है उस categories के list box में हमने एक category देखी थी review cursor की, ठीक है? So उसी review cursor के बारे में आज हम जानेंगे. All right. So again, ये सेशन भी हमारे साथ कंडक्ट करेंगे श्याम मिश्रा जी आज, और कल हम चलेंगे जॉर्ज सेटिंग्स की ओर. और इस हफ्ते से हम 2 बजे से लेके तो 3:30 बजे तक हर फ्राइडे रिवीजन सेशन और प्रैक्टिकल्स सेशन रखेंगे, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स चाहे अपनी स्क्रीन हमें शेयर करके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है. और हफ्ते भर में हमने जितना भी जो भी कुछ सीखा है वो एक दिन में हम लोग उनके साथ बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे और सुलझाएंगे. ऑलराइट, सो एक हफ्ता, हफ्ते में से एक दिन मतलब वो सेशन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उस सेशन के अलावा एक सेशन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होगा जो 2 से 3:30 के बीच होगा, ठीक है, जिसमें हम रिव्यू कर्सर मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर वीक में जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं उन सेशंस के अकॉर्डिंगली आपको किसी भी टॉपिक में अगर कुछ टॉप डाउट्स है या कंसर्न्स है या आप अपनी शेयर करके मतलब अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें कुछ बताना चाहते हैं या फिर अपने कुछ डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपको हम उसमें मौका देंगे कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रैक्टिकल्स करके हमें दिखाएं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, ठीक है मेंबर्स. सो ये हम करेंगे इस फ्राइडे से. ओके, यस पुष्पेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर जो टाइमिंग है ना सर, मतलब ये जो टाइमिंग है ये सर 6 से 8 वाली रहे ना, बेशक चाहे फ्राइडे की वजह सैटरडे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है या संडे हो जाए कोई दिक्कत नहीं. 6 से 8 नहीं, 6 से 8 तो वैसे हमारा रेगुलर सेशन रहेगा ही. यस सर, ठीक है, वो उसमें हम कोई ये नहीं करेंगे, वो तो रहेगा, ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन टाइम हम ऐसा एक कंबाइन बैच के लिए रखने वाले हैं टाइम जिसमें 2 से 3:30 के बीच जो भी कैंडिडेट्स अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे उनको हम आंसर करेंगे. यस सर, लेकिन सर मैं ये चाह रहा था कि बेशक चाहिए सैटरडे को हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो टाइमिंग है ना सर वो थोड़ा सेम रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमें ना मान लीजिए हमारी अदर क्लासेस है तो वो थोड़ा मैनेज करने में आसानी होती है,
अब ये सेशन का टाइम और हमारी अदर क्लास का टाइम यदि मैच कर गया तो फिर दिक्कत आ जाती है हम लोगों के लिए। ओके ऑलराइट, फिर सो एक काम कर सकते हैं, जो हमारी रेगुलर टाइमिंग्स है 6 से 8, उसी में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है? तो उस दिन नया सेशन नहीं होगा, हर सैटरडे, हर फ्राइडे, ठीक है? जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स अपने स्क्रीन शेयर करवा के हमसे कुछ डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हैं, बस जरूरी ये हो जाता है कि फिर आपको उस दिन अपने कंप्यूटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपके कुछ सेशंस और आपके कुछ सवाल है तो आप क्लियर कर सकें, ठीक है? हमें शेयर करके स्क्रीन। यस सर, दिस इज मच कन्वीनियंट। या सो दैट वुड एक्चुअली आई थिंक द गुड आइडिया। ओके सो यस, वी विल फॉलो दिस ओनली। ओके सो ऑन एवरी फ्राइडे देयर विल बी नो न्यू टॉपिक कंडक्टेड, वी विल कंडक्ट द सेशन ऑन रिवाइज्ड टॉपिक्स ऑन दैट पर्टिकुलर वीक। ओके, वॉट एवर वी हैव कंडक्टेड इन दैट पर्टिकुलर वीक, द फ्राइडे वुड बी द रिविजन things. Okay, Friday we will revise all the week's sessions. Okay, so that नहीं, every yes sir, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो हमारा मतलब कि revision session है ना सर, वो हम रखें तो जरूर सर, और Friday को यदि ना हो, Friday की वजह, Friday को जो हम करते हैं, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वही करें, लेकिन ये जो सेशन है रिवीजन सेशन, ये सर सैटरडे या संडे, इनमें से आप 6 से 8 किसी दिन भी ले सकते हैं इसको। सैटरडे संडे डियर, मतलब कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है हमें, मतलब हमारा तो सैटरडे संडे भी काम चलता रहता है, ठीक है? लेकिन द कंसर्न इज हमारे कुछ और कमिटमेंट्स है उन पर्टिकुलर वीक्स पे, तो शायद ये लिंक्स उस वक्त अवेलेबल ना हो पाए, फिर भी देखते हैं, मतलब अभी के लिए, फिलहाल के लिए इसको फ्राइडे ही रखते हैं, जो हमने अभी डिसाइड किया है उसी उसी में रखते हैं, ठीक है? लेटर ऑन हम उसको चेंज कर सकते हैं 2 वीक्स के बाद, लेटर ऑन उसको हम सैटरडे भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं अपने टेक्निकल टीम से कंसर्न करता हूँ पूरे, ठीक है? क्या स्केड्यूल है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, सैटरडे संडे हमारे सारे लिंक्स वैसे ही बिजी रहती है, मतलब तो अलग अलग सेशंस में दूसरे जो हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ये लिंक्स जाती हैं। सो हाउएवर, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस मंडे टू फ्राइडे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेरे ख्याल से सैटरडे भी एडजस्ट हो सकता है, देखते हैं, ठीक है? मतलब मेरे मुझे ऐसे लग रहा है कि सैटरडे भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए अब 2 फ्राइडे तक ऐसे चलाएंगे, ठीक है? जो 2 फ्राइडे तक हम ऐसे ही चलेंगे जो हमने अभी डिसाइड किया है। ओके यस सर। सर बाकी एक काम, यदि मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है गलत हो, ये हम करके अभी देख सकते हैं ना कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं इस समय, मतलब किस किस को इस टाइम से प्रॉब्लम है या इन फ्यूचर हो सकती है, क्योंकि सर देखिए मेरी जो है ना, अभी तो सर 1-2 फ्राइडे तक तो मुझे भी नहीं है, ये बात रियल है, लेकिन इसके बाद जब क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी तो दिक्कत तो मसला कैसा है कि देखो दोस्त, 1-2 को तो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, मतलब ठीक है। सो अगेन द कंसर्न इज सेम कि सबका टाइमिंग मैच हो, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इन दिस स्टेज। सो फिर भी हम कंसर्न ये कल ग्रुप में रखेंगे, कल ग्रुप में इस पे बात करेंगे, ठीक है? अगर सबको लगता है कि यही सेशन, मतलब यही टाइम ठीक है सैटरडे के लिए भी, तो इसी को फिक्स कर देंगे। यस सर, यस सर। सर, आई सपोर्ट पुष्पेंद्र भैया। या, एवरीवन विल सपोर्ट पा, बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, नो? वी आर डूइंग, गोइंग टू डू सो। सो, यस, ऑलराइट। लेट मी, यस, ख्याति कुछ कहना चाहती हो आप? सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि सर, या फिर एक चीज और भी हो सकती है कि जैसे हम डेली जो कुछ सीखते हैं ना, हम लोगों में से एक एक स्टूडेंट रोज स्क्रीन शेयर करके और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर ले। हाँ, ये भी हो सकता है। रोज हम इस सेशन के एंड में 2-2 ऐसे बंदों को मौका देंगे जिन्हें प्रॉब्लम्स है, और इसके अलावा हमने जो डिसाइड किया है कि फ्राइडे या सैटरडे को हम सेशन, अभी के लिए फ्राइडे, ठीक है?
लेकिन सैटरडे की जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसमें भी हम ये रखने वाले हैं कि हम उस दिन कुछ नहीं करेंगे, हम स्क्रीन शेयर करवाएंगे आपसे, ठीक है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपको आना है हमारे पास उस दिन। उसी की तो बात चल रही है अभी। यस सर। यस। नहीं सर, देखिए सर, मेरा जो कहने का मकसद था ना सैटरडे, वो ये था, एक तो हम फ्राइडे को एक सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, मतलब चाहे एक कदम चले चल जरूर जाएंगे अपने कोर्स को लेकर के, ठीक। दूसरी चीज ये होगी सैटरडे की 6 to 8 तक की जो टाइमिंग मैंने बताई थी कि सब लोग इसी टाइम के अनुसार अपना अपना मैनेज कर सकते हैं, 3 to 4:45 तक, वो 2 to 4:45 तक वो थोड़ा टफ हो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक सर। दूसरी चीज, यदि हम यही बात यहाँ पे फिर रखेंगे ना कि जो हम अब डेली के सेशन लेते हैं, है ना, यदि उसमें उसमें हम ये चीज़ करेंगे तो फिर हमारा जो सिलेबस है वो सर थोड़ा स्लो में, ये मतलब कि मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है गलत हूँ कि स्लो हो जाएगा सर फिर। Let's see how it works. We will decide accordingly. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Kazim, last question, then we will go for the topic. Baki questions topic ke baad hum lenge. Hello. Yes, Kazim. First of all, good evening, sir. Yes. मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी session की बात चल रही थी, तो Friday या Saturday जब कभी भी होगा, तो इसमें सब पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करना मैंडेटरी होगा या फिर उन लोगों को भी जो जिनको प्रॉब्लम है, ये पूछना चाह रहा था, जिनको प्रॉब्लम्स है उन्हीं को। यस ओके, मतलब सबको नहीं, नहीं सबके लिए हम फिर अपना जो रेगुलर सेशन है वो रखेंगे। Okay. और वैसे भी सबकी जब हम सबके एग्जाम लेंगे तो सबका पता भी चल जाएगा, मतलब कहां तक आ रहा है। डेफिनेटली। और सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, पुष्पेंद्र भाई की बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि शायद हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके लिए सॉरी पुष्पेंद्र भाई। सर सैटरडे वाला जो सेशन है, इन्होंने बोला कि एक कदम आगे चल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से सैटरडे को जो क्लास हम लोग नहीं लगा रहे हैं वो ना ही लगाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए एवरी सेशन में, सेशन के एंड होने के बाद आप लोग हम लोगों को टाइम देते ही हो कैसे भी, तो क्या ही अच्छा हो अगर जो टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक जो हम सवालात पूछते हैं उसी टाइमिंग को यूज करते हुए हम टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक सवालात ना पूछ के जिसकी जो प्रॉब्लम है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके बताए तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। Okay, no problem. Okay, so the concern is, देखे, हम सिर्फ इतना नहीं चाहते कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम जो सिखाए वही पता चले, कुछ बाहर की चीजें भी अगर आपको आपको कंसर्न करना चाहते हो तो वो क्वेश्चंस हम इसीलिए लेते हैं ताकि आपको वो भी पता चले, ठीक है। सो हमने ये जो सेशन के बाद वाला जो टाइम स्लॉट है वो उसी के लिए रखा है स्पेसिफिकली। ओके, मतलब मेरा ये बोलने का था सर, मेरा मतलब नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गया, डोंट वरी। ओके, इवन दो मतलब सुबह में भी, जी, थैंक यू सर, क्योंकि सुबह में भी क्लास हमारी लगती है सैटरडे को, जो मतलब कंबाइंड सेशन जो होता है, अलग जो वैल्यू एडेड सेशन होता है, राइट, उसके बाद भी अगर हम लोग अगर शाम में अगर सेशन रखते हैं तो पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। सैटरडे अगर होता है तो देखो, फ्राइडे या सैटरडे अगर सेशन होता है तो वो 2 to 3:30 के बीच ही होगा। हाँ, तो फिर ठीक है, शाम में नहीं होगा। जी, और उसके अलावा भी आप बोल रहे हो कि जिनको प्रॉब्लम है वही आए हैं और सबके लिए नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं। हाँ तो ठीक है सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगर सॉरी इफ यू मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। थैंक यू सर। ओके, सो यस गाइस, सो अभी ज्यादा वक्त नहीं कमाते हैं, ठीक है, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए हमने की। ओके, सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो रिव्यू कर्सर क्या है और इसको मतलब हम रिव्यू कर्सर मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए आज एज यूजुअल मतलब पिछले 2 दिन से श्याम सर आपको सब समझा रहे हैं, ठीक है, तो आज का भी सेशन वही कंटिन्यू करेंगे और मैं हूँ आपके साथ। यस श्याम, इट्स ओवर टू यू।
हेलो एवरीवन, अगेन फिर से आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ आपके खिदमत में और आज का सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जब यहाँ पे फैज सर नहीं थे तब हमी में से शायद पल्लवी ने भी रिक्वेस्ट किया था कि सर आप रिव्यू कर सर कब लोगे, तो अगर वो यहाँ होंगी तो उनका वक्त आज आ चुका है रिव्यू कर सर सीखने का कि रिव्यू कर सर होता क्या है। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ, जानते हैं रिव्यू कर्सर होता क्या है। सबसे पहले हम कर्सर की जो पार्श्वभूमि है, कर्सर क्या है, कर्सर की परिभाषा हम समझते हैं पहले, कर्सर होता क्या है। देखिए गाइस, अभी जो सैटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेन से लिखते हैं, और जो विजुअली इम्पेयर्ड बंदा होता है वो क्या लिखता है, अपने स्टाइलस से लिखता है। ठीक है, एक पेपर है समझ लो आपके पास और स्टाइलस, आप जैसे उसमें ब्रेल में लिखोगे बाद में आप क्या करते हो, आगे 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 जाते हो ना, मार्जिन छोड़ के आगे जाते हो, एक स्लेट होती है 27 लाइन की स्लेट होती है, उसमें पेपर डाल के आप लिखते हो और आगे जाते हो। ठीक है, तो जिससे लिखते हो ना आप, जो स्टाइलस को जो नोक होता है ना, वो एक कर्सर कहा जाता है। ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा इमेजिन करके चलो, कर्सर उसी तरीके का एक होता है। अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखें, हम अगर वर्ड ओपन करें, जब भी हम टाइप करें तो कर्सर आगे आगे जाता है। ठीक है, कर्सर मोस्टली ब्लिंक होता है, उसको ब्लिंक हम कहेंगे, ब्लिंक होता है। जैसे हमारे दिल की धड़कनें होती है ना, आप लोग ने देखी होंगी, अपने दिल की धड़कनें सुनी होंगी कैसे बजते हैं, या तो घड़ी का कांटा कैसे, जब सेकंड कांटा चलता है टक टुक टक ऐसा आवाज़ करता है। ठीक है, तो समझ लो उसी तरह से कर्सर ब्लिंक होता है, लाइट बंद चालू ऐसा होता है, उसी रिदम से होता है वो। ठीक है, जैसे हम कोई बटन प्रेस करेंगे कर्सर ब्लिंक होगा और आगे चले जाएगा। ठीक है, यानी वो अल्फाबेट लिखा जाएगा वहां पे, ये कर्सर होता है, कर्सर का मतलब ये है। ठीक है, हम जानते हैं कर्सर बेसिक टू टाइप के होते हैं, पीसी कर्सर है और जो हम स्क्रीन रीडर यूज करेंगे उसका कर्सर, जैसा जॉस का होगा जॉस कर्सर, एनवीडीए का होगा एनवीडीए में एक फीचर होगा रिव्यू कर्सर। ठीक है, तो बेसिकली कर्सर क्या काम करता है, टाइप भी होता है, हम पढ़ने में भी यूज़ करते हैं उसको, अगर वर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट एरो से पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि मैं करते करते आप लोगों को बताऊं कि मैं जो भी कर रहा हूं आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। मीटिंग कंट्रोल्स विन, मेरे एनवीडीए की आवाज आ रही है गाइस आप लोग को? तो अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक नोट पैड फाइल, नहीं सॉरी एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रोग्राम मेरी ऐसी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि आपको मैं पहले बेसिक कर्सर दिखा दूँ, ताकि ये कर्सर का ही भाग है एक, तो फिर हम जानेंगे आगे कि कर्सर, और हम ये कर्सर क्यों बता रहे थे आपको और क्यों हमने लिया ये कर्सर। ठीक है, म्यूट कीजिएगा गाइस, कोई अनम्यूट है, म्यूट कीजिएगा। देखते हैं मेरा वर्ड ओपन हुआ है या नहीं। प्रोग्राम मैनेजर मीटिंग कंट्रोल, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंट वन वर्ड, डॉक्यूमेंट वन वर्ड। देखते हैं गाइस, चेक करते हैं। Microsoft document one word. Document one word. S. मेरा वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, जिनको दिख रहा है वो देख सक रहे होंगे, मेरा वर्ड ओपन हो चुका है। S. अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, S. ठीक है, blank. Blank. कुछ भी नहीं है, ब्लैंक कह रहा है वो। ठीक है, blank. अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। H I I Space E V E Y Y R Y Right Space I I Sorry O N E Want I I T A M Am H A M। ठीक है, मैंने टाइप किया है आई एम श्याम। ठीक है, मैं नीचे टाइप करता हूँ, दो दो तीन लाइन में टाइप करूँगा। I I Space W O U L D Want Space L I K E Like D O 2 W O R K
work stay o n on stay t a c o m p u t e r computer dot मैंने ये टाइप किया यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे नीचे टाइप करता हूँ I stay a m am space w o r k I n g working a t at space j a l g o a n. ठीक है, देखिए मैंने तीन लाइन टाइप किए हैं अभी. ठीक है, ये जो हमने टाइप किया है, ठीक है, जब हम एरो की से जब इसे मूव करेंगे तो सैटेट क्या कंसीडर करेगा, कर्सर मूव हो रहा है. ठीक है, स्क्रीन रीडर तो अपना बोलेगा ही. ठीक है, क्योंकि ये जो पीसी कर्सर होता है गाइस, जो वर्क एरिया होता है ना, वहाँ पे वो चल जाता है. ठीक है, वर्क एरिया हम अभी आगे सीखेंगे, जब हम वर्ड सीखेंगे तभी. ठीक है, जहाँ पे हम जो टाइप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो पढ़ ले रहा है वो. ठीक है, देखते हैं. अभी मैं कंट्रोल होम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो. अभी देखो पढ़ रहा है वो. अब मैं लेफ्ट राइट एरो करूंगा तो एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा वो. ठीक है, मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ. O N E space I space A M spelling H Y A M. ठीक है, कहाँ पढ़ा उसने? Hi, I am Shyam. अगर पीछे जाता तो कैसे पढ़ता वो? Left arrow से back जा सकते हम कर्सर यहाँ से. A. देखो मेरा कर्सर भी पीछे पीछे जा रहा है. Y H S out of M A space I space E N O space Y R E V E Space, I, H, देखो H. आ गया टॉप पे. अभी देखते हैं वर्ड पढ़ते हैं कंट्रोल राइट एरो से. देखो क्या शब्द पढ़ेगा वो. Every one I am spelling error I am out of spelling error dot line feed. ठीक है, अभी पीछे जाता हूँ मैं तो पीछे के वर्ड पढ़ेगा वो. Dot spelling error I am out of spelling error I one every hi hi. ठीक है, अब डाउन एरो करता हूँ मैं. देखो लाइन पढ़ेगा वो. I would like to work on the computer. ठीक है, अगर इसको मुझे वर्ड बाय वर्ड नेविगेट करना है तो मैं होम के प्रेस करूंगा बिगिनिंग ऑफ द लाइन, फिर मैं उसको नेविगेट करूंगा कंट्रोल राइट से वर्ड बाय वर्ड. आपको तो मालूम है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे नेविगेट करते हैं. प्रीवियस यानी प्रीवियस कैरेक्टर के लिए लेफ्ट एरो और नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए राइट एरो. ठीक है, would like to work on the computer. ठीक है, ये देखिए पढ़ चुका. ठीक है, ये हो गया बेसिक कर्सर, इसको बोलते हैं पीसी कर्सर. ठीक है, अब हम जो आज का मुख्य टॉपिक है रिव्यू कर्सर, उसके तरफ चलते हैं. पहले उसकी जो पार्श्वभूमि है वो हम समझ लेते हैं कि है क्या एक्चुअली ये. देखिए हमने वर्ड ओपन किया, वर्ड में टाइप किया, उसने पढ़ा पीसी कर्सर ने. रिव्यू कर्सर गाइस करता क्या है, अगर हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए, ठीक है, अभी डायलॉग बॉक्स में भी बहुत बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लाइंस होते हैं, ज़्यादा लाइंस होते हैं, ज़्यादा बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, वो बोलता है. ठीक है, बट आपको वो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको, तो आप किस तरीके से पढ़ोगे वही आज हम जानेंगे. कोई डायलॉग बॉक्स हुआ या कोई प्रॉपर्टी हुआ या कोई ऐसी चीज़ है जो वर्क एरिया में नहीं है, जो बाहर है, मतलब मेन्यू बार में है या ऊपर है, ऐसी भी चीज़ें रिव्यू कर्सर पढ़ता है. ठीक है, आप यही मान के चलो कि डायलॉग बॉक्स पढ़ने के लिए रिव्यू कर्सर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, डायलॉग बॉक्स या प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, जैसा मैंने आपको पढ़ के दिखाया अभी. अगर रिव्यू कर्सर नहीं होगा गाइस, तो आप उस प्रॉपर्टी को वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूं आपको ये कैसे काम करता है रिव्यू कर्सर. डॉक्यूमेंट वन वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट वन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैंने इसको क्लोज कर दिया इस वर्ड को. डॉक्यूमेंट वन वर्ड रिबन टैब्स टैब, एक मिनट. डॉक्यूमेंट वन वर्ड, तो अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायलॉग वांट्स टू सेव योर चेंजेस डोंट सेव बटन ऑल्ट स्पेस. तो अब मैं जाता हूँ डी कॉलम में. डी कॉलम में मेरे पास एक फोल्डर है. ठीक है, डी कॉलम में मेरे पास एक फोल्डर है, वहां जाता हूँ मैं ताकि आप लोग को पता चले. इतना स्पीड एनवीडीए का बस है ना गाइस, आप लोग को समझ रहा है ना? दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. समझ रहा है ना आपको? क्या रेट कम करें या इतना रहने दें? सर ठीक है, सही है सर, सही है. ओके कूल, वेल, सही है. तो अब हम चलते हैं डी कॉलम में. रन डायलॉग टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम फॉर डी डी सिलेक्टेड इन टेक्स्ट ऑन अ मेल डेस्कटॉप लिस्ट.
मेरा new volume D, ये देखिए मेरा D कॉलम ओपन हो गया। new list Microsoft Office 2016 प्रतियोगिता दर्पण 2007। ये फोल्डर है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, अगर मैं राइट एरो करूँगा आप तो बोलोगे सर फिर भी साइज पढ़ेगा, ठीक है, बट क्या है ना वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेगा वो। देखो इस फोल्डर है, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट एरो करूँगा, date modified edit 15/07/2021 452 AM read only type edit file folder read only row 2 type column 3 size edit read only row 2 size column 4 पढ़ा उसने साइज नहीं बताया ना, कभी कभी फोल्डर का साइज नहीं बताता है वो, फाइल का साइज बताएगा बट फोल्डर का साइज नहीं पढ़ता। इसीलिए हमें इस फोल्डर को ओपन करने के लिए प्रॉपर्टी में जाना होता है, ठीक है। जब हम प्रॉपर्टी में जाएंगे तब हम आगे की बात और जानेंगे। पहले मैं चेक कर लेता हूँ इंसर्ट अप एरो से मेरा सिलेक्टेड है या नहीं वो फोल्डर, सिलेक्टेड है प्रतियोगिता दर्पण। अब मैं प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ ऑल्ट एंटर से, प्रतियोगिता दर्पण प्रॉपर्टीज डायलॉग जनरल प्रॉपर्टीज टाइप फाइल फोल्डर लोकेशन डी साइज 839 MB 880,411,402 bytes साइज ऑन डिस्क 842 MB 883,732,480 bytes contains 1,604 files 3 folders created Thursday 15 July 2021 4:51:15 AM attributes read only only applies to files in folder checkbox half checked alt plus R. Okay guys, देखिए इतना सब कुछ वो पढ़ता है, ठीक है। Speak command keys on. अब मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो राइट एरो करता हूँ, देखो क्या पढ़ता है वो। Right arrow hidden checkbox not checked alt plus H. Right arrow advanced button alt plus D. Right arrow. Left arrow hidden checkbox not checked alt plus H. कुछ पढ़ रहा है क्या? Left arrow. नहीं पढ़ रहा है। वो जितना डायलॉग बॉक्स का जो प्रॉपर्टी था Left arrow. वो पूरा उसने पढ़ चुका, ठीक है, बट बाद में वो पढ़ा नहीं लेफ्ट राइट एरो करने से बाद भी। अगर मैं अप डाउन और यहाँ पे करूँ फिर भी वो नहीं पढ़ेगा, देखो है तो ये कर्सर ही है बट ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है। Up arrow. Down arrow hidden checkbox not checked alt plus A down arrow नहीं पढ़ रहा, ठीक है। Up arrow hidden checkbox not checked left arrow हम read-on. ये देखते हैं कि इसको वापस कैसे पढ़ना है पूरे प्रॉपर्टी को एक साथ। हम क्या करेंगे, इंसर्ट बी करेंगे। जब कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, तो उसको हम इंसर्ट बी से पढ़ते हैं। कमांड है इंसर्ट बी, मैंने कमांड की ऑन की है, तो मैं जो भी कमांड प्रेस करूंगा शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद बोलेगा NVDA प्लस बी ऐसा बोलेगा वो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? NVIDIA की। हाँ सर। एक मिनट वापस स्टार्ट करो, वही करना पड़ेगा मुझे। Alt new volume D. This meeting is being recorded row 1 column 3. This meeting is being Pratyajita not new well guys, meeting मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। रोबोटिक आवाज हो गई सर आपके ना NVIDIA की, बड़ा हाँ तो ये रोबोटिक की आवाज है, ये NVIDIA की जो आवाज है ना वो रोबोटिक की आएगी। नहीं नहीं श्याम, वो आपका स्पीकर है ना वो खरखर हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार एक काम करो उसको स्टॉप करो स्क्रीन शेयर को। हाँ स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके वापस करता हूँ मैं। Alt plus मैं वापस से स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ मेरा। आ रही क्या गाइस वॉइस आ रही है NVIDIA की? नहीं दोस्त NVIDIA आपका साउंड शायद चेकबॉक्स नॉट चेक है, चेक करो उसको। NVIDIA की वॉइस नहीं आ रही है? नहीं साउंड चेकबॉक्स नॉट चेक है, उसको चेक करो। ओहो एक मिनट ओके वेल ओके Stop share alt plus S button. अब आ रही है ठीक से। अभी आ रही है NVIDIA plus D meeting controls. Okay, fell. तो guys,
मेरी भी आवाज आ रही है, आपको एनवीडीए की भी आवाज अभी आ रही है, चेक कर लीजिएगा दोबारा। एनवीडीए प्लस टी मीटिंग कंट्रोल्स। ओके कंट्रोल प्लस एनवीडीए प्लस नाउ नारो रेट 25। कूल, तो अभी हम चलते हैं वापस वही न्यू वॉल्यूम पे, डी पे। प्रतियोगिता नापन प्रॉपर्टीज रो, प्रतियोगिता नापन प्रॉपर्टीज डायलॉग, जनरल प्रॉपर्टी पेज टाइप, फाइल फोल्डर लोकेशन डी, साइज 839 MB, 880,411,402 bytes, size on disk 842 MB, 883,732,480 bytes, contains 1,604 files, 3 folders created, Thursday, 15 July 2021, 4:51:15 AM. Attributes, read only, only applies to files in folder, checkbox half checked alt plus R. ठीक है, अब मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करता हूँ, देखिए आपको पूरा पता चलेगा। टैब, टैब, हिडन चेकबॉक्स नॉट चेक्ड, ऑल्ट प्लस एच, टैब, एडवांस्ड, बटन ऑल्ट प्लस डी, टैब, ओके बटन, टैब, कैंसिल बटन, टैब, टैब कंट्रोल, जनरल टैब सिलेक्टेड, टैब, जनरल प्रॉपर्टी पेज टाइप, फाइल फोल्डर लोकेशन डी, साइज 839 MB, 880,411,402 bytes, size on disk 842 MB, 883,732,480 bytes, contains 1,604 files, 3 folders created, Thursday, 15 July 2021, 4:51:15 AM. Attributes, folder name, edit selected Pratyogita Darpan. Tab, read only, only applies to files in folder, checkbox half checked alt plus R. Well guys, पता चल गया आप लोग को, अगर पूरा आपको ये पढ़ना है तो इंसर्ट बी करेंगे। आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते, अगर आपको एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना ये वर्क एरिया में नहीं दिखा गया है, कहीं और है ये, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी वन बाय वन करके पढ़ना है, तो आपको अब रिव्यू कर्सर का सहारा लेना पड़ेगा। गाइज, सेशन शुरू होने से पहले, कोर्स शुरू होने से पहले जब हम कीबोर्ड सिखाया था, तो हमने आपसे कहा था कि एक्सटर्नल कीबोर्ड लेकर रखना है आपको, ताकि आपको वो यूज़ करने के लिए बहुत आसानी हो, ठीक है। इसके लिए अब नम पैड की बात समझते हैं, इसमें नम पैड का इस्तेमाल कैसे होता है गाइस, ठीक है। इसके लिए नम पैड की होना ज़रूरी है आपको, किसी ने पूछा था ना कि नम पैड की क्यों यूज़ करते हैं और क्या काम में आता है नम पैड की, है ना, नंबर डायल करने के लिए चलो आता है, तो ये रिव्यू कर्सर के भी काम में आता है, ठीक है। रिव्यू कर्सर जब हम करेंगे देखेंगे गाइस, ठीक है। अभी तो सबसे पहले ये जानिए कि नम पैड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लाइंस हैं नंबर्स के, तो 5 नंबर का डॉट है, उसको बटन है, यानी एक डॉट है छोटा सा, ठीक है। तो क्या है, पहले कैरेक्टर, वर्ड एंड लाइन। तो हम जानते हैं नम पैड 1 जो है वो प्रीवियस कैरेक्टर काम करता है, नमपैड 2 करंट कैरेक्टर, और नमपैड 3 आपका नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, जैसा हमने वर्ड में लेफ्ट राइट एरो किया था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ऐसा रिव्यू कर्सर में ये काम करेगा, ठीक है। नमपैड 4 प्रीवियस वर्ड, नमपैड 5 करंट वर्ड, नमपैड 6 नेक्स्ट वर्ड। अभी देखते हैं वर्ड का, देखा हमने, अभी लाइन का देखते हैं। नमपैड 7 प्रीवियस लाइन, नमपैड 8 करंट लाइन, नमपैड 9 आपका है नेक्स्ट लाइन। ओके, फिर से एक बार देखिएगा, अभी मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, 1, 4 और 7 जो है कैरेक्टर, वर्ड और लाइन के लिए है, प्रीवियस कैरेक्टर, वर्ड और लाइन। 2, 5, 8 है जो है करंट कैरेक्टर, करंट वर्ड, करंट लाइन के लिए, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे पूरा लाइन पड़ेगा वहाँ से। और देखते हैं 3, 6 और 9 जो है वो है आपका नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन। ओके गाइस, रिव्यू कर्सर एक्टिव करने के बाद आपको यही जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, और इसी तरह से आपको पढ़ना है अभी, ठीक है, नम पैड यूज़ करके। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेल गाइस, रिव्यू कर्सर ऑन करने के लिए उसका कमांड है शिफ्ट, सॉरी इंसर्ट 7, इंसर्ट नमपैड 7, रिव्यू कर्सर ऑन हो जाएगा। रिव्यू कर्सर ऑन होने के बाद मेरा कमांड सबसे पहला होगा शिफ्ट नमपैड 7 बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, शिफ्ट नमपैड 9
एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट शिफ्ट नम पैड वन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट नम पैड थ्री, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मैं जब अभी प्रैक्टिकल अभी आप लोग के सामने करूंगा तो वापस एक बार बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिकल को अभी। NVDA plus T, Pratyogita Knapp and Properties. अब मैं मेरा रिव्यू कर्सर ऑन कर रहा हूँ। पहले आपको इंश्योर करना है कि नमपैड ऑन है ऑफ है, नमपैड आपका ऑफ होना चाहिए। तो मैं पहले इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा नमपैड ऑफ है या ऑन है। नमलॉक ऑफ होना चाहिए आपका, उसके लिए नमलॉक ऑन, नमलॉक ऑफ। ठीक है, मैंने नमलॉक ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ इंसर्ट की और नमपैड 7, मेरा रिव्यू मोड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। NVDA plus numpad 7 screen review read only applies to files in folder. लीजिए मेरा स्क्रीन रिव्यू चालू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाने के लिए इंसर्ट सॉरी शिफ्ट और 7 दबाते हैं, शिफ्ट नमपैड 7। मैंने इंसर्ट 7 से ये रिव्यू कर्सर एक्टिव कर दिया है। अभी इंसर्ट 7 दबाते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए। Shift plus numpad 7, Pratyogita Knapp. क्या कहा उसने, प्रतियोगिता दर्पण। अब मैं 7 की प्रेस करता हूँ। Numpad 7, top, Pratyogita Knapp. कहा उसने टॉप। अब ये देखते हैं, हम कैरेक्टर से शुरू करते हैं पहले। इंसर्ट जो 7 की से एक्टिवेट किया था हमने, और शिफ्ट 7 करके हमने टॉप पे गए, और यहीं पे अगर हम शिफ्ट 9 करेंगे तो एंड में जाएंगे। देखिए मैं शिफ्ट 9 करता हूँ, शिफ्ट नंपैड 9, शिफ्ट प्लस नंपैड 9, ओके कैंसिल अप्लाई। देखिए अब मैं वापस 9 नंबर का ये जो है नंबर पैड प्रेस करता हूँ, नंपैड 9 बॉटम, ओके कैंसिल अप्लाई। ओके बोला उसने बॉटम। अभी हम क्या करेंगे, टॉप में चलेंगे, शिफ्ट और नंपैड 7, शिफ्ट प्लस नंपैड 7, Pratyogita Knapp. अभी कंफर्म करेंगे, नंपैड 7 टॉप, Pratyogita Knapp. ओके वेल गाइस, अभी हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर इसको रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण है। अभी मैं नंपैड 1 की प्रेस करता हूं, नंपैड 1 लेफ्ट पी, नंपैड 1 लेफ्ट पी। ठीक है, अब मैं नंपैड 2 अगर प्रेस करूंगा तो करंट कैरेक्टर पढ़ेगा क्योंकि मेरा कर्सर वहीं पे है, पी पे है। नंपैड 2 पी, नंपैड 2 पी। अब मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा, नंपैड 3 प्रेस करूंगा, करंट कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर। नंपैड 3 आर, प्रतियोगिता है ना, पहले पी था अभी आर है। नंपैड 3 ए, नंपैड 3 टी, नंपैड 3 आई, नंपैड 3 वाई, नंपैड 3 ओ, नंपैड 3 जी, नंपैड 3 आई, नंपैड 3 टी, नंपैड 3 ए, नंपैड 3 स्पेस, नंपैड 3 डी। समझ में आया आपको, आगे जाएगा। नंपैड 1 प्रेस करूंगा तो पीछे आएगा वो। नंपैड 1 स्पेस, नंपैड 1 ए, नंपैड 1 टी, नंपैड 1 आई, नंपैड 1 जी, नंपैड 1 ओ, नंपैड 1 वाई, नंपैड 1 आई, नंपैड 1 टी, नंपैड 1 ए, नंपैड 1 आर, नंपैड 1 पी, नंपैड 1 लेफ्ट पी। ओके वेल गाइस, समझ में आ गया आप लोग को ये प्रीवियस कैरेक्टर, करंट कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर कैसे नेविगेट करते हैं। अभी मेरा कर्सर पी पे है तो अगर मैं नंपैड 2 दबाऊंगा तो पी कहेगा वो। नंपैड 2 पी। अभी मैं नंपैड 3 दबाता हूं, नंपैड 3 आर। देखो मेरा कर्सर अभी आर पे है तो नंपैड 2 दबाऊंगा तो आर बोलेगा वो। नंपैड 2 आर। क्यों? क्योंकि करंट कैरेक्टर। ठीक है, नंपैड 1 पी। अब हम जाते हैं वर्ड की तरफ, वर्ड देखते हैं वर्ड कैसे पढ़ता है वो। नंपैड 4 दबाएंगे तो प्रीवियस वर्ड पढ़ेगा वो। नंपैड 4 टॉप, प्रतियोगिता। उसने कहा प्रतियोगिता। अब मैं नंपैड 6 दबाता हूं गाइस। ठीक है, नंपैड 6 स्टॉप, नंपैड 6 टाइप, नंपैड 6 कोलन, नंपैड 6 फाइल, नंपैड 6 फोल्डर, नंपैड 6 लोकेशन, नंपैड 6 कोलन, नंपैड 6 डी, नंपैड 6 कोलन। ये देखिए क्या कहा उसने, डी कोलन, आगे आगे जा रहा है वो। नंपैड 6 बैकस्लैश, नंपैड 6 साइज, नंपैड 6 कोलन, नंपैड 6 839, नंपैड 6 एमबी। ओके अभी मैं वापस पीछे जाता हूँ, साइज सुनना है मुझे। नंपैड 4 839। ये देखिए बोला 839। अगर मैं यहाँ पे नंपैड 5 प्रेस करता हूँ तो क्या बोलेगा देखो। नंपैड 5 839। हाँ फिर से वही बता रहे 839। ठीक है, अब मैं वापस 6 प्रेस करता हूँ, देखो आगे आगे जाता हूँ। नंपैड 6 एमबी, नंपैड 6 लेफ्ट पेरेन, नंपैड 6 880,411,402।
Numpad 6 bytes. Numpad 6 write paren. Numpad 6 size. Numpad 6 on. Numpad 6 disk. Numpad 6 colon. Numpad 6 842. Numpad 6 MB. Numpad 6 left paren. Numpad 6 883,732,480. Well, अभी मैं 4 दबाऊंगा तो previous में आ जाऊंगा, ठीक है? Previous words में और numpad 5 press करूंगा तो current word होगा मेरा. पहले मैं numpad 4 left paren. Numpad 4 MB. ये देखिए MB. अगर मैं यहाँ पे numpad 5 दबाता तो MB पढ़ेगा क्योंकि मेरा cursor वहाँ पे. Numpad 5 MB. हाँ, अब मैं numpad 2 दबाता हूँ तो क्या पढ़ेगा? वो M पढ़ेगा खाली, not MB. Numpad 2 M. देखिए, ठीक है? और numpad 5 MB. Word एक MB एक word है ना? MB के बाद space है, इसीलिए वो ऐसा पढ़ रहा है. ठीक है, आप लोगों को समझ गया 4 5 6 कैसे काम करता है. अभी हम देखते हैं 7 8 9. ठीक है, मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ प्रीवियस लाइन के लिए. मैंने जैसे कहा था नंबर 7 साइज 839 MB 880,411,402 bytes. नंबर 7 लोकेशन. देखिए पीछे पीछे जा रहा हूँ. नंबर 7 टाइप. नंबर 7 प्रतियोगिता नारपन आ गया. नंबर 9 प्रेस करूंगा मैं अभी. नंबर 9 टाइप फाइल फोल्डर. क्या कहा उसने? टाइप फाइल फोल्डर. अगर मैं नंपैड 7 प्रेस करता हूँ तो पीछे जाएगा और नंपैड 9 प्रेस करेगा तो आगे आगे जाएगा. अब मैं नंपैड यहाँ पे 8 प्रेस करूंगा तो करंट लाइन पढ़ेगा वो. देखते हैं करंट लाइन क्या है मेरा. नंपैड 8 टाइप फाइल फोल्डर. क्या बोला उसने? टाइप फाइल फोल्डर. ठीक है, वापस नंपैड 9 प्रेस करके आगे आगे जाते हैं. नंपैड 9 लोकेशन. नंपैड 9 साइज 8. नंपैड 9 साइज ऑन. नंपैड 7 साइज 839 MB 880,411,402 bytes. ठीक है, ये एक लाइन हुई. आगे जाते हैं. नंबर 9 साइज ऑन डिस्क 842 MB 880,411,402. सर सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, आपका ना सर जैसे स्पीकर पहले कर रहा था वो सेम प्रॉब्लम फिर से आ चुकी है. अच्छा, अभी आ रही है ठीक से सर? आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, मतलब शाम स्क्रीन रीडर की सर. स्क्रीन रीडर की आवाज ठीक से नहीं आ रही है. अच्छा, एक मिनट हो सकता है वॉल्यूम उसका कंट्रोल प्लस एनवीडीए प्लस राइट एरो ग्रेट बूस्ट शायद उसका ये ज्यादा हो. प्लस राइट एरो पिच 40 कंट्रोल प्लस एनवीडीए प्लस राइट एरो इन्फ्लेक्शन 7 कंट्रोल प्लस एनवीडीए प्लस राइट एरो वॉल्यूम 100 कंट्रोल प्लस एनवीडीए. नहीं डियर, वैसे ही करो. प्लस एनवीडीए कंट्रोल प्लस वैसे कर रहा है, वैसे ही करो फिर से. I don't know, ऐसा प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ. देखते हैं, लेकिन अभी आज एक काम करो, अभी वो स्टॉप करो और स्टार्ट करो फिर से. हाँ हाँ, यस यस. This meeting is being recorded. New volume. Yes, वापस मैं controls row one column. शेयर कर रहा हूँ दोबारा. ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा ये करता हूँ, शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए. You have stopped share, alt plus S button. अभी आ रही है NVIDIA की आवाज ठीक से? Meeting controls. हाँ, yes. Okay, okay. Yes, sir. Yes. अभी चलते हैं वहां पे वापस अपने प्रॉपर्टी पे. Pratyogita Narpan properties. Well. तो मेरा रिव्यू कर्सर एक्टिव है, ठीक है? Attributes. नहीं, वापस मुझे एक्टिव करना पड़ेगा. इंसर्ट नंपैड 7 से. No next review mode. ओके, एक्टिव है. ओके, कूल. मैं Pratyogita Narpan. Top Pratyogita Narpan. ठीक है, जैसे भी नंपैड 9 प्रेस करूंगा मैं तो Type. आगे आगे जाएगा. Location. B. Size. On disk. हम यहाँ पे थे. Contains. 1604 files, 3 folders. ठीक है, अभी मुझे वापस ये लाइन है तो मुझे अभी देखना है वापस कितना है कंटेंट, उसने क्या बोला है और कितना फाइल बता रहा है वो. मैं दोबारा ये करता हूँ, नंपैड 8 प्रेस करूँगा करंट लाइन के लिए क्योंकि कंटेंट वाली लाइन है. हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना वापस नंपैड 7 दबाएंगे फिर से नंपैड 9 दबाएंगे तो आगे जाके फिर वो बराबर पड़ेगा. ठीक है, तो मैं नंपैड 8 दबाता हूँ अभी, यहाँ पे प्रेस करता हूँ. Contains 1604 files, 3 folders. ठीक है, अब मैं आगे आगे जाता हूँ यहाँ पे. Created Thursday
15 July 2021, 4:51 AM. ये देखिए थर्सडे को क्रिएट हुआ है, तारीख भी बता रहा है वो। अगर आपको ये तारीख पढ़नी है तो आप क्या करोगे, क्या कमांड मैंने बताया था, शिफ्ट नमपैड वन से बिगिनिंग ऑफ द लाइन आओगे आप बाय प्रेसिंग शिफ्ट नमपैड वन। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा। हाँ, नमपैड फोर से प्रीवियस वर्ड है और नमपैड सिक्स से नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं। colon, created, colon, Thursday, comma, 15 July 2021, comma, 4, colon, 51, colon, 15, attribute. ठीक है गाइस, तो इस तरह से रिव्यू कर्सर काम करता है। ठीक है, मैं अभी नमपैड शिफ्ट के साथ नमपैड 9 प्रेस करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स के एकदम एंड में चले जाएगा। ठीक है, देखते हैं। okay, cancel, apply. देखिए ओके कैंसिल अप्लाई, मैं यहाँ पे नमपैड 8 प्रेस करता हूँ अभी। okay, cancel, apply. उसने करंट लाइन पढ़ी, ओके कैंसिल अप्लाई। अभी मैं नमपैड 5 प्रेस करता हूँ यहाँ पे। apply. मेरा कर्सर अभी अप्लाई पे है, वर्ड है। ठीक है, नमपैड 2 प्रेस करता हूँ। Why? ठीक है, वो बाद में गया कर्सर। ठीक है, अभी मैं इसको पीछे करता हूँ नमपैड 4 से। कैंसिल, ओके। देखिए आगे आगे जाएगा नमपैड 6 से। कैंसिल, अप्लाई, ओके गाइस, बॉटम, अप्लाई, खत्म हो गया। कैंसिल, ओके, कुछ भी नहीं है, मैं नमपैड 4 प्रेस कर रहा हूँ। अभी मुझे ओके की स्पेलिंग जाननी है तो मैं क्या करूँगा, नमपैड 3 प्रेस करूँगा पहले। लेफ्ट, ओके। ठीक है, देखिए ओके की स्पेलिंग बता रहा है वो, और करंट कैरेक्टर बताएगा के। K. अभी कैंसिल की स्पेलिंग जाननी है तो मैं क्या करूंगा, नमपैड 3 प्रेस करके जाऊंगा आगे। C-A-N-C-E-L, space. हाँ, बाद देखो आगे के जा रहा है, अभी अप्लाई। A-P-P-L-Y, right, Y. अप्लाई। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम रिव्यू कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आने वाले डायलॉग बॉक्स को भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग के मन से पूरा ये जो क्वेरी है, यानी जो पूरा डाउट्स है जो मैंने अभी सिखाया, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी रीड करने में काम आता है और हमारे डायलॉग बॉक्सेस होते हैं वो रीड करने में काम आता है। आप लोग को कमांड में ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करने से पहले मैं आप लोग को कमांड वापस एक बार फिर बता देता हूँ शुरू से। रिव्यू कर्सर एक्टिव करने के लिए है इंसर्ट की नमपैड 7, हो गया रिव्यू कर्सर एक्टिवेट। बाद में आप शिफ्ट नम पैड 7 से डॉक्यूमेंट के टॉप में जा सकते हैं और शिफ्ट नम पैड 9 से आप डॉक्यूमेंट के बॉटम में जा सकते हैं, यानी एंड में जा सकते हैं। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स के अभी शिफ्ट का हो गया। अभी हम देखते हैं नम पैड 1, 2, 3 है। नम पैड 1, 2, 3 के लिए है आपका कैरेक्टर आएगा प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट, 4, 5, 6 वर्ड का आएगा प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट, 7, 8, 9 लाइन का आएगा प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट। वेल गाइस, मैं मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ अभी। मीटिंग कंट्रोल्स, आई होप मीटिंग कंट्रोल्स, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस yes, आप हाथ ऊपर करें अपने अपने, इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे ले लेंगे। हमें लगा कि इस पर एक स्पेशल सेशन होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें दूसरा सेशन मिक्स करते तो फिर शायद कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए हमने एक ही सेशन, छोटा सेशन है लेकिन एक ही सेशन रखा। आप लोगों को की कमांड इसके ध्यान में रखने चाहिए गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे की कमांड है इसके अंदर जो जो मैंने बताया आपके 3-4। यस निष्ठा, ओ सर मैंने इस इनवेडो एस एक्स देखे थे वो भी देख लीजिए ना। सॉरी आपको कुछ भी नहीं करना है रिव्यू कर्सर के सेटिंग में। ठीक है, आपका जो NVDA बेसिक जब इंस्टॉल्ड होता है ना तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स NVDA की तरफ से की गई है वही आपको रखना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। ठीक है, तो जो मैंने बताया है वही इम्पोर्टेंट है, वही आपको रखना है। एक्चुअली वो सेटिंग्स, हाँ वो जो कैटेगरी की बात आप कर रही हो ना, तो वो सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट वैसी रहेगी जैसे श्याम सर ने आपको बताई है। ठीक है, वो बस वहाँ पे कैटेगरी है रिव्यू कर्सर की एक। थैंक यू।
यस सृष्टि। हेलो सर। यस यस सर, मेरे को पूछना था कि आपका फोल्डर में डेट और ये सब भी दिखा रहा था सर, वो कैसे दिखा रहा था? यस। तो देखो निष्टी, ये सृष्टि, ओके। श्याम सर ने अभी बताया राइट कि आपको कैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सेम दोहराता हूँ कि जब आप किसी फोल्डर पे होते हो, ठीक है, तो आपको हाँ। पहले फोल्डर के प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है, ऑल्ट एंटर करके, जैसे श्याम सर ने बताया राइट। हाँ। और जैसे आप ऑल्ट एंटर करेंगे तो Shift 7 से आपको टॉप ऑफ द पेज पे जाना है, उस प्रॉपर्टी पेज पे रिव्यू रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करके, कर्सर हाँ, एक्टिवेट करना है, ठीक है। विदाउट वो कुछ नहीं करेगा काम, आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है उसको। हाँ। यस। और एक्टिवेशन के लिए की क्या है शाम, वापस बताओ एक बार। इंसर्ट नंपैड 7। यस। तो इंसर्ट नंपैड 7 से आप पहले प्रॉपर्टी पेज में आने के बाद इंसर्ट नंपैड 7 से पहले आप रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आप हाँ। जाएंगे Shift 7 से आपको टॉप ऑफ द पेज जाना है। ओके। उसके बाद आप जो भी की कमांड्स अभी श्याम सर ने बताया आपको राइट, आपको अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है तो जिसके लिए 4, 5, 6 है फोर फाइव नंपैड, फोर सिक्स फाइव ठीक सिक्स है। देखिए मैं देखिए पहले तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अभी श्याम सर ने जो बताया था आपको वही बता रहा हूँ कि नंपैड मतलब रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करने के बाद आपका 1, 2, 3 मतलब 1 काम करेगा आपका प्रीवियस कैरेक्टर के लिए, टू ये कैरेक्टर। समझ आ गया मेरे को, प्रीवियस कैरेक्टर के लिए 1 काम करेगा और 2 के लिए हाँ हाँ यस। करेंट हाँ, और तो उसी थ्री में के लिए, डेट भी बता उसी देगा में आपका डेट भी और फोल्डर कब साइज भी क्रिएट सब है, बता साइज देगा। सब बता देगा। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको जानना है, तो आपने फाइल फोल्डर का सेशन अटेंड किया होगा, तो ड्राइव पर आप उसके लिंक्स व्यू कर सकते हैं। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट का फ्राइडे का पार्ट, गुरुवार शुक्र जुमे को हमने सिखा था वो, ठीक है। अच्छा उसके अच्छा रिकॉर्डिंग्स भी हाँ अवेलेबल है तो वहाँ आप हाँ ड्राइव से उसमें जा सारी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है कि डेट कैसे सेट करते हैं अपने कंप्यूटर में डेट बताने के लिए। उसको हाँ सेट सर। करना पड़ता है पहले सृष्टि। ओके सर। ओके सर। अगर आप सेट नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी में वैसे बताई गई, ठीक है, फिर आपको रिव्यू कर्सर मोड से जाना पड़ेगा। ओके देखो सर। उसकी डेट साइज टाइम सब कुछ बताएगा वो आपको, ओके कब सर। मॉडिफाई किया गया है, कब क्रिएट किया गया है, सब बताएगा। यस सर। ओके। और ओके ये सर। कर्सर आप बेसिकली आपके जितने भी डायलॉग बॉक्सेस है वो पढ़ने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार हमें पता नहीं चलता कि डायलॉग बॉक्स है यार, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्टिव मतलब ये रिव्यू कर्सर को पहले एक्टिवेट करो, फिर जो की कमांड्स है उसके मुताबिक आपको अगर वर्ड से वर्ड पढ़ना है तो वर्ड से वर्ड पढ़ो, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है तो उससे पढ़ो, और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो लाइन बाय लाइन से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसके लिए श्याम सर ने बताया है 1, 2, 3 इज प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर 4, 5, 6 इज फॉर दे आर फॉर वर्ड सर, प्रीवियस वर्ड करंट एंड एंड यस प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट वर्ड्स, ओके। एंड सेवन एट नाइन दे आर फॉर लाइन्स, लाइंस। ओके। सो सेम, ओके, ओके सर। प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट लाइन, ओके मेंबर्स। सो ये यस। बात सबको याद रखनी है, तभी आप रिव्यू कर्सर का आसान जो है मतलब आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे अपने पीसी में। यस यस बुलबुल। सर सेम थिंग तो हम इंसर्ट प्लस F1 F2 की से भी तो कर सकते हैं। सॉरी नहीं नहीं वो नहीं पढ़ेगा, वो इनसाइड F1 से नहीं पढ़ेगा दोस्त। सर पता नहीं जाते नहीं 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 वो नहीं दूसरे पढ़ेगा, कमांड फॉलो करते हैं, इनसाइड F1 F2 से नहीं पढ़ेगा, ठीक है, इसलिए रिव्यू कर्सर दिया गया है। वो अलग बात है दोस्त, ठीक है। सर जो मैंने कहा था आपको मुझे वो बंद करना है, वो अगर आपने ढूंढा हो तो। बुलबुल अभी टॉपिक आप ऑफ द टॉपिक सवाल ना पूछे तो ये अच्छा है फिलहाल के लिए। ओके सर। थैंक यू सर। यस राधिका। सर
अभी श्याम सर ने एक वो बताया था ना कि शिफ्ट वन से आई थिंक सर बिगनिंग ऑफ द सर कुछ था सर वो लाइन 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 बिगिनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट वन से बिगिनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट थ्री से एंड ऑफ द लाइन उसी लाइन के अभी हमने कैसे सीखा एट सेवन और नाइन की से लाइन पढ़ता है कि नहीं प्रीवियस लाइन करंट लाइन नेक्स्ट लाइन नंपैड सेवन से प्रीवियस लाइन नंपैड एट से करंट लाइन और नंपैड नाइन से नेक्स्ट लाइन ठीक है आप जिस लाइन पे होंगे आपने करंट लाइन पे नंपैड एट किया तो करंट लाइन जब पढ़ेगा ना और आप वहाँ पे शिफ्ट वन की प्रेस करेंगे तो आपको अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पूरा पढ़ना है उसकी स्पेलिंग पढ़नी है उस लाइन की या आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है या तो किसी वर्ड की स्पेलिंग पढ़नी है उस लाइन में ठीक है तो आप जैसे शिफ्ट वन की प्रेस करेंगे तो आप उस लाइन के बिगिनिंग में आ जाएंगे ठीक है फिर आप नंपैड थ्री प्रेस करके आप या नंपैड वन प्रीवियस नेक्स्ट कैरेक्टर से आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी उसको पढ़ सकते हैं और नंपैड थ्री अगर आप प्रेस करेंगे तो एंड के एकदम लाइन में चले जाएगा शिफ्ट नंपैड थ्री एकदम एंड ऑफ द लाइन ठीक है ओके सर से कमांड तो मुझे याद है बट सर कंफर्म करना था बस मुझे अरे कोई बात कोई नहीं कोई नहीं यस राखी हेलो राखी शायद राखी हमें सुन नहीं पा रही है या फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रही खुद को शायद मुझे ऐसे लग रहा है तब तक नाज़नीन कंटिन्यू हाँ सर जब स्टार्टिंग में सर हम वर्ड में गए उसके बाद टाइपिंग किया फिर टाइपिंग के बाद में जो आपने प्रैक्टिकल किया ना तो वो समझ में नहीं आया उसके बाद का तो समझ क्या मैंने प्रैक्टिकल किया क्या आपको समझ में नहीं आया वो समझ मतलब नहीं समझ आया उसके बाद में इंसर्ट वो मैंने देखो जो मैंने वर्ड में टाइप किया था ना वो मैंने पीसी कर्सर समझाया था आपको यानी कंप्यूटर का जो कर्सर होता है नॉर्मल कर्सर क्योंकि आपको कर्सर के बीच का फर्क मालूम पड़े कौन सा कर्सर है एनवीडीए का कर्सर है जॉस का कर्सर होता है जॉस का अपना एक अलग से कर्सर है जॉस कर्सर ठीक है तो एनवीडीए में फीचर है रिव्यू कर्सर ठीक है तो वर्ड में जो हमने टाइप किया ना और नाज़नीन जब आप वर्ड में जब काम करती हैं तो आप लेफ्ट राइट एरो करती हैं तो प्रीवियस नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ता है वो ठीक है कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो करते हैं तो प्रीवियस नेक्स्ट वर्ड पढ़ता है वो ठीक है अप एरो डाउन एरो करते हैं तो लाइन पढ़ता है बराबर कि नहीं उसी तरह रिव्यू कर्सर में हम इसी प्रकार कैसे हैंडल करें वो मैंने बताया था ठीक है रिव्यू कर्सर कब कब आता है डायलॉग बॉक्स को आता है कोई प्रॉपर्टी होता है तो अगर वहाँ पर लेफ्ट राइट एरो करेंगे तो वो नहीं पढ़ेगा वो इंसर्ट बी करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेगा ठीक है बट आप अप डाउन एरो करेंगे लेफ्ट राइट एरो करोगे तो आप बोलोगे क्या रिव्यू कर्सर है इंसर्ट बी कर रहा है तो पढ़ रहा है मुझे इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है ये इसको कैसे पढ़े वर्ड बाय वर्ड तब वो रिव्यू कर्सर का इस्तेमाल होता है ठीक है नाज़नीन नाज़नीन फिर भी समझ में नहीं आया ओके सर थैंक यू समझ में आया आपको हेलो सर समझ आया लेकिन मैं वहीं पे कंफ्यूज हूँ उसके बाद में आपने मतलब वहां से नहीं समझ में आया जब आपने कंट्रोल इंसर्ट राइट एरो किया था ना तो नहीं नहीं अरे वो कंट्रोल इंसर्ट राइट एरो मैंने इसलिए किया था वो स्पीड स्लो करने के लिए वॉल्यूम कम करने के लिए एनवीडीए का कमांड है ना वो ठीक है उसके लिए मैंने किया था इंसर्ट कंट्रोल राइट लेफ्ट एरो नहीं क्या पिच बदलता हमने एनवीडीए सेटिंग में देखा था ठीक है रेट वॉल्यूम फिर बाद में स्पीड बाद में फिर ये सब होता है ना वो सब ऑप्शन होता है ना वो सब और कम करने के लिए फिर कंट्रोल इंसर्ट और अप डाउन एरो से कम करने का वहाँ पे जाके वो है वो था ठीक है बाद में जब मैंने रिव्यू कर्सर शुरू किया वो डी कॉलन ओपन करके और फोल्डर ओपन करके तब तो मैंने बताया भी था कि हम रिव्यू कर्सर को स्टार्ट कर रहे हैं अभी मैं रिव्यू कर्सर यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ ठीक है Okay. और या और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं नाज़नीन आप एक काम करो इनफैक्ट अगर आप अपने आप पहले आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली कंसर्न करो मुझसे ठीक है हेलो सर यस अभिषेक वेट डियर वेट ये कोई हेलो अभिषेक हो क्या हाँ अभिषेक ने पूछा अभिषेक है यस सर हाँ यस अभिषेक बोलो नहीं मैं इस पर मैं कुछ कहना चाहता था कर्सर की बात पर जी एक्चुअली जैसे समझने में प्रॉब्लम आ रही है मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता था मैं ये कह रहा हूँ कि रिव्यू कर्सर और जो पीसी कर्सर है जैसे वर्ड पर आपने कहा था तो उसमें ये होता है कि जो
वर्ड पर हम हमारा कर्सर है वो देखने के लिए होता है, वो स्क्रीन पर एक वर्टिकल बार होती है तो वो एक्चुअली वो जब हम कंट्रोल राइट एरो या राइट लेफ्ट एरो करते हैं तो वो कर्सर मूव करता है साथ के साथ। तो ये रिव्यू कर्सर केवल हमारे सुनने के लिए होता है, वो कर्सर मूव नहीं करता। हाँ नहीं नहीं वो कर्सर दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने क्या कहा कि NVDA का फीचर है वो एक एक्स्ट्रा, ठीक है, NVDA में एक्स्ट्रा फीचर है। मैंने कहा ना जब भी कर्सर में एक्सप्लेन कर रहा था कि कर्सर NVDA का अलग है, जॉस का अलग है, ठीक है, मतलब वो मूव नहीं करता वो केवल नहीं, नहीं, मतलब वो वर्ड सुनाई देगा। अभी जी अभी मुझे बताइए ना अभिषेक भाई, अभी मुझे बताइए कोई सैटेड बंदा इस डायलॉग बॉक्स को पढ़ रहा है तो क्या जरूरत है उसको कर्सर की, वो तो आंख घुमा के पूरे डिस्प्ले पे पढ़ भी लेगा कहाँ क्या है कि नहीं। अगर कोई जरूरत ही नहीं है, यस यस यस, अगर विजुअली इम्पेयर्ड बंदे को सुनना है, इतना सारा बड़ा कुछ लिखा है तो सुनने के लिए NVDA ने फीचर दिया है रिव्यू कर्सर का, मतलब फिजिकली कर्सर हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पर ही स्टैंड रहता है। हाँ बस वो खाली NVDA का फीचर है, वो आगे आगे वर्ड पढ़ता है, बस वर्ड कैरेक्टर एंड लाइन, वो जब भी पढ़ता है तो कर्सर स्टेबल रहता है, ठीक है, आपको ये समझना है, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, आपको लगेगा कि कर्सर भी आगे मतलब आगे बढ़ रहा है तो वैसे होता नहीं, नहीं कर्सर नहीं, क्योंकि NVDA का अलग से फीचर है गाइस, ठीक है। यस पल्लवी जी सर आवाज आ रहा है मेरा, सॉरी, हाँ जी बताइए। हाँ सर मेरे को थोड़ा कप ऑफर्स, थैंक्स, ये सब्जेक्ट लिया आपने, टॉपिक लिया इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड सर मेरा कपल ऑफ क्वेरीज है इसके बारे में। यस यस फर्स्ट जैसे रिव्यू कर्सर हमने इंसर्ट 7 ये नमपैड से ऑन किया पर अगर ऑफ करना रहेगा तो ऑफ नहीं होता क्या, वो कंटिन्यू ऑफ ऑफ करने का रहेगा ना, तो आपको कोई भी नेविगेशन की दबा दीजिए, अप एरो, डाउन एरो, शिफ्ट टैब, टैब, होम, एंड, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो चले जाएगा। और जैसे आप वो आप उसको अगर ऑल्ट F4 कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो कर्सर डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। ओके एंड जो इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हो कभी कभी अपने को फायरवॉल्स के जो भी ये आते हैं अलर्ट्स आते हैं उसके लिए भी ये वर्क यस 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 करेगा करेगा। अलर्ट्स यानी क्या, इन्फॉर्मेटिव डायलॉग बॉक्स है ना, वो इन्फॉर्म करता है ना वो, यस यस ऑब्वियसली इसलिए मैंने आपको कहा था कि वे कर्सर डायलॉग बॉक्स पढ़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमें इकट्ठा नहीं समझ में आया, अगर हमें पढ़ना है तो इंसर्ट बी करके हम पढ़ सकते हैं, बट हमें अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो रिव्यू कर्सर का सहारा हमें लेना पड़ता है। ओके एंड सर कभी कभी क्या होता है कि मुझे फाइल के सब मेनू वगैरह जो भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं समझता नहीं, जब अगर स्पीड फास्ट रहेगा तो उसके लिए भी हम रिव्यू कर्सर यूज कर सकते हैं। जैसे फाइल में इंसर्ट में कुछ कुछ फीचर्स रहते हैं जैसे ग्राफिक्स वगैरह पड़ेगा तो वो इतना फास्ट बोलता है ना कि दो तीन बार अपने को वो सुनना पड़ता है, तो वो केस में वो पड़ता है क्या स्पेलिंग अगर देखना है तो? आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं, ठीक है, ग्राफिक्स हाँ। तो नहीं पढ़ेगा वो, मुझे लगता कोई ग्राफिक पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ। टेक्स्ट पढ़ता है वो, ठीक है, ग्राफिक्स के जो अंदर टेक्स्ट लिखे होंगे वो पढ़ेगा ना वो रिव्यू कर सर, शायद करके देखना पड़ेगा मुझे नहीं पता। एक्सपेरिमेंट अगर उसके अंदर अगर ऑल्ट टेक्स्ट दिया है, ठीक है, मतलब ऑल्ट टेक्स्ट नाम से एक कांसेप्ट होती है जो कि कोडिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट एक HTML का एट्रीब्यूट है, ठीक है, ओके, अब वो HTML क्या है वो सब चीजें सीखने के लिए फिर हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बस हमें ये बताना है आपको कि अगर ऑल्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर उसको अगर HTML से कोडिंग किया गया है, ठीक है, हाँ। उसमें अगर अल्ट एट्रीब्यूट दिया गया है और अल्ट एट्रीब्यूट्स का सहारा लेके अगर उसमें आपको फोटो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो पढ़ेगा। ओके मैं इट इज दिबा हाउ इट इज कोडेड वो आप एक काम कर सकते हैं, आप नॉर्मल पहले लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट करके देखिएगा। वैसे इस कोर्स के अंत में हमने एक 8 दिन का एक छोटा सा ये रखा है कोडिंग का ये सेशन, कोडिंग का सेक्शन। यस पल्लवी जी मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पहले जो ग्राफिक्स है आपका अगर उसमें ऑल्ट टेक्स्ट है जैसे फ्लैश सर ने कहा, आप पहले नॉर्मल लेफ्ट राइट एरो से प्रेस करके देखिए, अगर वो नहीं चल रहा है ना तब आप रिव्यू कर्सर एक्टिवेट कीजिएगा तब।
ओके हाँ नॉर्मल पहले लेफ्ट राइट एरो से देखिएगा एरो कीज प्रेस करके ऑल टेक्स्ट पहचानना कैसे है वो भी बताता हूँ आपको ठीक है ऑल टेक्स्ट कैसे पहचानना है जब भी आप किसी प्रॉपर वेबसाइट पे नेविगेट करते हो ठीक है तो जब भी इमेज आएगा तो वो बोलेगा आपको ग्राफिक्स मतलब जो भी रहेगा ठीक है ग्राफिक्स अगर मान लो आपका आपके किसी एनजीओ का बैनर है ठीक है तो बोलेगा वो ग्राफिक्स मनोबल बैनर ऐसे जो भी अल्ट टेक्स्ट में दिया गया होगा वो पड़ेगा वो ठीक है हाँ, वो पूरा पड़ेगा ओके इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स उसके अंदर का लिखा हुआ पड़ेगा हाँ, पहले ग्राफिक्स बोलेगा लेकिन वो ठीक है हाँ, ओके तो आप रिव्यू को एक्टिवेट करके देख सकते हैं हाँ, बाद में अगर एरो की से नहीं पढ़ा तो यस एरो की से नहीं पड़ेगा वो वैसे भी हाँ, तो रिव्यू कर सर एरो की से है ना एरो की से क्यों नहीं पड़ेगा वो बताता हूँ जो वो अल्ट टेक्स्ट वाला जो मसला मैं बता रहा हूँ ना वो हाइड रहता है ठीक है मतलब वो साइटेड पर्सन को नहीं दिखेगा लेकिन हमें सुनाई देगा यस यस तो आप रिव्यू कर सर से पढ़ सकते हैं ठीक है अब रिव्यू कर्सर से कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं रिव्यू कर्सर वो भी पढ़ता है जो जैसे एक्सेल का फार्मूला बार होता है जिसपे जो नॉर्मल कर्सर होता है वो सपोर्ट नहीं करता मतलब ठीक है तो एनवीडी का रिव्यू कर्सर ऑन करने के बाद फिर वो भी पढ़ने लगेगा ठीक है ऐसा भी कुछ है और प्लस जो वर्क एरिया के बाहर के जो पार्ट्स भी है ना जैसे टाइटल बार स्टेटस बार जो भी होता है ना तो उसका भी वो रिव्यू कर्सर ऑन करेगा तो वो भी पढ़ता है वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ठीक है तब इसको करके देखिएगा ओके सर एंड वन मोर थिंग जैसे यानी विंडोज ये प्रेस किया तो सब प्रोग्राम दिखाते तो उसमें भी अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम का अगर स्पेसिफिक स्पेलिंग देखना है तो भी वो रिव्यू कर्सर यूज होता है क्या विंडो का जो पूरा ये आता है चार्ट उसमें भी होता है यस 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 यूज करके देखिएगा शायद आ जाएगा ओके क्योंकि सर मैं इतने से कर्टाना विंडो बोलता था वो समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे नहीं एक्टिवेट करके देखिएगा हां 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 ओके सर लैपटॉप के केस में कैसे लैपटॉप का की कमांड आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लेके रखिएगा लैपटॉप का की कमांड मैं आपको भेजता हूँ ठीक है ओके हाँ चलेगा सर थैंक यू क्लियर लैपटॉप का थोड़ा अलग मसला है ठीक है लैपटॉप को मैं भेजता हूँ आपको पुष्पेंद्र ओके थैंक यू सर या मोस्ट वेलकम पल्लवी जी यस पुष्पेंद्र शायद पुष्पेंद्र जी ओके फाइन निष्ठा अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये अपना रिव्यू सर हिलता नहीं है वो एक जगह रहता है ना ये लाइन पर है क्या अपना 7-8-9-7 लाइन पर है ना और बीच में बटन आ गए जैसे ओके बटन या सबमिट बटन देखिए अगर आप प्रॉपर्टी ओपन करेंगे अगर उस पे एंटर दबाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोसीजर होगी होगा होगा प्रोसीजर हो जाएगा फिर हो जाएगा प्रोसीजर होता है नहीं नहीं एक्चुअली जैसे आप कह रहे रिव्यू कर्सर हिलता नहीं है वो कर्सर होता ही नहीं है एक्चुअली कोई कर्सर नहीं है फीचर है वो एनवीडीए का ठीक है तो कर्सर वो कहने के लिए कर्सर बट होता नहीं है वो फिजिकली ठीक है अगर निष्ठा आप एक बात को समझ लो कि जब आप रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करते हो ना ठीक है तो उस कर्सर में ऐसे कोई फिजिकल कर्सर नहीं होता जो अपना नॉर्मल कर्सर है ना वही रहता है ठीक है वो हिलता भी नहीं है वो वैसे ही रहता है नॉर्मल ठीक है बस एक NVDA का ये फीचर है कि सिर्फ और सिर्फ विजुअल इम्पेयर बंदों के लिए या फिर जो हमारे लो विजन साथी हैं जो पूरी तरह से देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए या फिर उनको सुनने के लिए ये बेसिकली NVDA ने उसे कहा है ऐसे कि ये NVDA का रिव्यू कर्सर है भाई गाइस इसी से उसको कहते हैं स्क्रीन रीडर ठीक है इसी से इसको बोलते हैं स्क्रीन रीडर ठीक है ना तो NVDA कोई साइटेड लोगों के लिए बनाया गया है नहीं बनाया गया है ये सिर्फ स्क्रीन रीडर विजुअल इम्पेयर के लिए है जैसा भी फैज सर ने बताया वो तो ठीक है वो तो NVDA की बात मैंने अलग की लेकिन ये जो कर्सर का मसला था इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो अभी भी बता रहा हूँ कि कर्सर जो है फिजिकली वहाँ पे नहीं होता ठीक है फिजिकली वहाँ पे जो अपना नॉर्मल कर्सर चलता है लैपटॉप में या कंप्यूटर पे वही रहेगा बाकी आप जब कर्सर एक्टिवेट करते हो तो कोई स्पेशल कर्सर नहीं होता या फिर वो मूव भी नहीं करता वहाँ से बस NVDA आपका वो सब पड़ेगा क्योंकि देखिए हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते ठीक है ना लैपटॉप का कर्सर तभी काम करता है जो वर्क एरिया होता है ठीक है लैपटॉप का अपने कंप्यूटर का कर्सर
जो रिव्यू कर्सर में हम काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये रिव्यू कर्सर पढ़ने के लिए काम आता है। आपने बोला काम नहीं कर सकते, लेकिन अपना फोकस ही अगर ओके बटन पे है या सबमिट बटन पे है, हाँ, तो वहाँ जाके अगर अपने एंटर दबाया तो... सुनिए ना, देखिए ना, अगर आप टैब प्रेस करती हैं तो भी ओके बटन आता, तभी आप स्पेस बार करेंगे तो प्रोसीजर होता ही है ना, वो बटन है ना, क्योंकि वो बटन है ना। हम देखिए कुछ टाइप नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है? हम टाइप नहीं कर सकते, जो वहाँ पे दिया गया है ना वो होगा, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है प्रॉपर्टी या कंप्यूटर की तरफ से, बट हम अपने हिसाब से कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, लेट मी टेक दिस कंसर्न टू मी, ओके श्याम, सॉरी निष्ठा। मसला ऐसा है कि मान लो आपने अगर रिव्यू कर्सर भी एक्टिवेट किया है और उसके मतलब आप जब एनवीडी के साथ कोई बटन्स या कुछ लिंक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी आप उस किसी बटन पे, अगर मान लो कैंसिल बटन है वहाँ पे, ठीक है, किसी डायलॉग बॉक्स का, ठीक है, तो अगर मान लो आपने डायलॉग बॉक्स मतलब कैंसिल बटन पे भी आपका फोकस अगर है, ठीक है, वैसे तो फोकस हिलता नहीं है, ठीक है, फोकस तो वही रहेगा, लेकिन कैंसिल बटन पे अगर आपका फोकस है, ठीक है, तो वो कैंसिल बटन को वर्कआउट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कैंसिल बटन वो प्रोसेस कर देगा आपका। लेकिन बस हमें समझना ये है कि प्रोसेस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा हमारे, जो भी प्रोसेस वहाँ दी गई है डायलॉग बॉक्सेस में, उन प्रोसेसेस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो काम करेगा। ओके सर, थैंक यू। या गेटिंग इट निष्ठा? यस यस यस, बट आई वांट टू से, हां, ऑलराइट, थैंक यू निष्ठा। राखी? यस सर, आई एम ऑडिबल सर। यस यू आर, गो अहेड। सॉरी सर, बहुत ज्यादा ही नेटवर्क इशू है। नो इश्यूज, कंटिन्यू। सर मुझे ये जानना था, जैसे मुझे उसके शुरू में ही समझ में नहीं आया सर, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू था सबसे पहले, मुझे जिसको जिस पे कर्सर रखना है, कहाँ पे रखना है, वही समझ में नहीं पाई। ओके राखी, फिर आप एक काम कीजिए, हमसे पर्सनल कंसर्न कीजिए, क्योंकि शुरू से सब कुछ थोड़ा सा दोहराना मुश्किल है, रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी उससे भी बहुत। शुरू का जो हमने रिव्यू कर्सर का बताया था, ठीक है, प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद नमपैड इंसर्ट और नमपैड 7 से अगर आप उसको एक्टिव कर देंगे तो आपको पढ़ने के लिए काम आएगा वो शिफ्ट नमपैड। हाँ, और इंटर से पहले ओपन करेंगे। हाँ, पहले प्रॉपर्टी जिसका फोल्डर आपको पढ़ना है ना, देखिए नमपैड मोस्टली ये जो रिव्यू कर्सर है कब काम में आता है, समझो आपको कोई डायलॉग बॉक्स दिया है वहाँ पे, ठीक है, डू यू वॉन्ट टू क्लोज दिस या डू यू वॉन्ट टू ओपन दिस, अगर वो आपको पढ़ना है ना तो वहीं पे आप नमपैड 7 इंसर्ट नमपैड 7 प्रेस कर दीजिएगा, आपका रिव्यू कर्सर ऑन हो जाएगा, फिर आप शिफ्ट 7 करके टॉप ऑफ द लाइन में चले जाएंगे, फिर आप वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? इंसर्ट नमपैड 9 करने से बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएगा, इंसर्ट नमपैड 7 सॉरी शिफ्ट नमपैड 9 से बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, शिफ्ट नमपैड 7 से टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और शिफ्ट नमपैड 1 से बिगिनिंग ऑफ द लाइन, शिफ्ट नमपैड 3 से बॉटम ऑफ द लाइन यानी एंड ऑफ द लाइन। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके। यस, महक सहरावत? हेलो महक सर, am I audible? Yes, you are. Go ahead. सर एक बार सर कमांड बता दीजिए रिव्यू कर्सर की, बार बार कंफ्यूजन हो रही है सर। कौन सी कमांड बताएं आपको, पूरी स्टार्टिंग से? यस सर, एक बार शॉर्ट में। यस, ठीक है, बता दो, कोई नहीं। सुनिए, सबसे पहले रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करने के लिए है आपका इंसर्ट नमपैड 7, हो गया आपका रिव्यू कर्सर एक्टिवेट कोई डायलॉग बॉक्स के ऊपर। अभी आप क्या करोगे, रिव्यू कर्सर एक्टिवेट होने के बाद आप उसने आपको यह जानना है कि आपने क्यों एक्टिवेट किया है उसे, तो आपको पढ़ना है डायलॉग बॉक्स को वर्ड बाय वर्ड और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन। तो एक्टिवेट करने के लिए आपका इंसर्ट नमपैड 7 उस डायलॉग बॉक्स के बिगिनिंग में जाना है यानी टॉप में जाना है, तो है शिफ्ट नमपैड 7, ठीक है, उस बाद में उस डायलॉग बॉक्स के एंड में जाना है तो आपको है शिफ्ट नमपैड 9। आपको डायलॉग बॉक्स में कुछ लाइंस हैं तो आपने जिस लाइन पर कर्सर रखा है नमपैड की प्रेस करके नमपैड 4 नमपैड
सेवन एट नाइन से वॉट एवर इट इज़ नम पैड आपने प्रेस करके लाइन पे कर्सर रखा है, ठीक है, आपको लाइन के बिगिनिंग में जाना है तो शिफ्ट नम पैड वन, लाइन के एंड में शिफ्ट नम पैड थ्री, और बस करेक्टर बाय करेक्टर तो आपको पता है, वन टू थ्री प्रीवियस करंट नेक्स्ट, वर्ड का भी आपको पता है, फोर फाइव सिक्स प्रीवियस करंट नेक्स्ट, लाइन का भी आपको मालूम है, सेवन एट नाइन प्रीवियस करंट नेक्स्ट लाइन, और उसको एक्टिवेट सॉरी इसको डीएक्टिवेट करना है इस कर्सर को, तो आप कोई भी टैप शिफ्ट टैप की प्रेस कर दीजिएगा और या तो होम एंड की प्रेस कर दीजिएगा नेविगेशन की, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके महक, यस सर, यस, नमपैड ऑफ होना चाहिए जब इन सर, हाँ, यस, यस, आपको अगर कर्सर रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करना है तो आपका नमपैड लॉक ऑफ होना चाहिए। जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि नमपैड शुड बी ऑफ, यस सर आई रिमेम्बर, यस गुड, यस पुष्पेंद्र, सर मेरा जो क्वेश्चन है सर वो इस टॉपिक से नहीं है सर, मैं बाद में पूछूंगा, आप रुके रहिए फिर थोड़ा। राधिका, तो मेरे को ये पूछना है कि सर जैसे अभी सर ने जब सर फोल्डर पे गए थे उसके बाद सर ने प्रॉपर्टी वाला मतलब ओपन किया था, तो सर उसके लिए उन्होंने ऑल्ट की प्रेस enter. किया था या फिर विंडोज ऑल्ट की ऑल्ट एंटर, या तो आप एप्लीकेशन की करके भी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, एप्लीकेशन उस फोल्डर पे जाओ एप्लीकेशन की प्रेस करो प्रॉपर्टी में एंटर करो, ठीक है, एप्लीकेशन की में मतलब एप्लीकेशन की प्रेस करो और अप डाउन से आप प्रॉपर्टी पे जाओ वहाँ पे एंटर करो तो वहाँ पे भी वो दिख जाएगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी को आपको अगर एंटर करना है शॉर्टकट से तो ऑल्ट एंटर करके बस ऑल्ट एंटर करो बस दैट्स इट, फिर आप रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करके पढ़ सकते हो। यस राखी, आपका और कोई सवाल है? यस सर, सर जैसे मान लो मेरे नोटपैड में या डिस पीसी में ही मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, मैं चाहूँ उसके अंदर जाके जो मैंने लिखा है जो स्टोरी है उसको भी ऐसे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं वैसे नहीं, उसका पढ़ने का कमांड अलग है, मैंने अभी आपको बताया था वर्ड सीखेंगे तभी भी देखेंगे, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है तो लेफ्ट एरो राइट एरो जो नॉर्मल एरो की है आपकी वो पूरा मसला अलग है दोस्त, हम आपको वो बताएंगे आपको, मुझे लगा कि इसके अंदर भी नहीं 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 वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं आता वो अलग है वो अलग मसला पूरा, वो पीसी कर्सर मूव होगा यहां से वहां, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कीज है, वो स्टैंडर्ड है वो हम वर्ड में सीखेंगे। नहीं सर, ये रिव्यू कर्सर जैसे वर्ड में हमारा कोई डॉक्यूमेंट है ये पढ़ तो देगा, मतलब फिजिकल कर्सर वही रहेगा, फिजिकल कर्सर वही रहेगा, तो वैसे ही करेगा, तो वही पूछ रहे हैं कि वो पूरा मसला अलग है इसलिए फिर वो हमें अभी नहीं, नहीं रिव्यू कर्सर हां ना सुनिए ना, मगर अभिषेक भैया देखिए देखिए अभी रिव्यू कर्सर जो है वो टिपिकल काम के लिए यूज किया, अभी वर्ड में फिर हम क्यों यूज करेंगे ना, वर्ड के लिए जब ऑलरेडी कमांड है कि नहीं है, पर लोग ये ना समझ रहे हो ना केवल ये डायलॉग बॉक्स के ऊपर ही यूज़ करते हैं। हाँ ये बात सही है, ठीक है, मतलब अभिषेक जी जो कह रहे हैं ना वो बात भी सही है कि हाँ फर्क बस इतना है कि अगर आप वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट आप रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करके करेंगे तो वो फोकस आपका हिलेगा नहीं वहाँ से, बस वो आगे आगे जा मतलब एनवीडीए पड़ेगा लेकिन फोकस नहीं हिलेगा, कर्सर नहीं हिलेगा आपका, फिजिकल कर्सर जो रहेगा वो जगह पर ही रहेगा, लेकिन अगर आप जो वर्ड में जो स्टैंडर्ड कमांड है उसको यूज करके आप अगर जाएंगे तो आपका फिजिकल कर्सर भी मूव करेगा एनवीडी के साथ। हाँ मैं ये बता दूं, जैसे मान लो हमारे पास 10 लाइंस लिखी हुई है वर्ड में, तो हम 10th लाइन से प्रीवियस लाइन वाली जो कमांड है नमपैड 7 अगर रिव्यू कर्सर एक्टिवेट करके प्रीवियस लाइन पर जाके 5th लाइन पर पहुंच जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा फिजिकल कर्सर कहाँ है, तो हम इंसर्ट प्लस वो जो माइनस होता है नमपैड माइनस तो उसको प्रेस करेंगे तो वो हमारा रिव्यू कर्सर का फोकस वहीं पर चला जाएगा जहां हमारा फिजिकल कर्सर है, इंसर्ट वो पूरा अलग मसला है, लेकिन बस आपको ये फिलहाल के लिए ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आपका सिर्फ एनवीडीए कर्सर एक्टिवेट होने के बाद ही आपका फिजिकल कर्सर मूव नहीं करेगा, अगर आप स्टैंडर्ड की यूज करते हो स्टैंडर्ड कमांड्स जो सभी के लिए बने हैं वो अगर यूज करते हो तो आपका एनवीडीए भी मूव करेगा और आपका कर्सर भी फिजिकली उस वर्ड बाय वर्ड मूव करेगा वैसे। यस सर, ओके दैट्स द इजीएस्ट वे टू से।
ओके थैंक यू सर ओके यस आई थिंक मुझे इस टॉपिक से रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है क्या किसी का कुछ क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर है तो अपने हाथ ऊपर करें अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा किसी के भी हाथ ऊपर सो आई थिंक ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा ऐसे मैं समझ के चल रहा हूँ अभी फिलहाल ठीक है कितना समझ में आया वो तो खैर फ्राइडे वाले सेशन में समझ में आ जाएगा और यस गाइस तो आई थिंक ये टॉपिक आज खत्म हो गया अपना ठीक है सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप करने वाला हूँ और जो बंदे मतलब क्लास अभी हो गई है वैसे फॉर्मल खत्म हो गई है जिनको कुछ बाहर के कुछ डाउट्स है तो वो बंदे लाइन पर रहें बाकी यू आर फील फ्री टू लीड द क्लास थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस